नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और वीडियो में वीकी वीज़ा सर्विसेज की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वीकी वीज़ा सर्विसेज व्हाई वी वर्क फॉर फ्री। ऐसा क्या है कि हम फ्री में क्यों काम करते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है? कहीं ये तो नहीं कि हम अगर फ्री सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सर्विसेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्या कहीं ये तो नहीं कि हम आपकी फ़ाइल पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू फ्री सर्विसेज? इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे आपको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्विसेज इज़ एप्लीकेशन। जब भी हम किसी एजुकेशन कंसल्टेंसी के पास जाते हैं, लाइक आप हमारे पास अपनी एप्लीकेशन फाइल लॉन्च करते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर कॉलेज, फॉर एग्जांपल आप सेंट क्लियर कॉलेज या फिर सॉल्ट कॉलेज या फिर कॉनेस्टोगा कॉलेज के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल लॉन्च करते हैं कॉलेज में, तो आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद आपका ऑफर लेटर आता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप में भी आपके साथ ट्रांसपेरेंसी 100% रहेगी। आपकी ही आईडी से ऑफर लेटर डाली जाएगी और आपके पास अपनी एप्लीकेशन का असेस रहेगा कि आपके कितनी एप्लीकेशन फ़ीस डिडक्ट हुई, और आपके ऑफर लेटर जो है वो ऑब्वियसली आपके पास आएगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है। द सेकेंड स्टेप इज़ ट्यूशन फीस पेमेंट, जो कि आपके ही अकाउंट से ट्रांसफ़र होती है कॉलेज में। वेरी क्लियर। एंड द थर्ड स्टेप इज़ योर मेडिकल, जो कि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एक अपॉइंटमेंट बुक करके आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल जाता है एंड यू कैन गो फॉर मेडिकल। एंड फोर्थ, GIC अकाउंट। GIC अकाउंट जो ओपन करते हैं वो आपके ही ईमेल आईडी पे करते हैं जो आप हमें देते हो। अगर आप चाहते हो आप न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना, तो वो भी आप अपने एंड से कर सकते हो, या फिर हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। जीमेल और जो आपका वेब सिक्योर स्कोशिया होगा वो लिंक रहेगा, और आपके पास उसका पासवर्ड रहेगा जहाँ से आप अपना GIC सर्टिफिकेट एसेस कर सकते हैं। GIC बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपके पास है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रहता है, दैट इज़ वीज़ा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। इसमें आपकी कंप्लीट असिस्टेंस आपको दी जाती है, आपको कंप्लीट सर्विसेज दी जाती है, इंक्लूडिंग योर SOP। SOP भी इसमें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, उसका कोई कॉस्ट नहीं रहता है। और द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट स्टेप इज़ वीज़ा फाइलिंग। वीज़ा फाइलिंग, अगर आप ऑफिस आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू अस एंड आपके सामने ही आपकी वीज़ा फाइल लॉन्च की जाएगी। एंड सेकेंड ऑप्शन, अगर आप नहीं आना चाहते हो ड्यू टू कोविड, और अगर आप काफ़ी दूर से बिलोंग करते हो, इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात, इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, टीम व्यूअर, एनी डेस्क, स्काइप, जूम। चार के चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं वीज़ा फाइलिंग के लिए, जहाँ पे आपके सामने ही आपकी वीज़ा फाइल लगती है, जिसमें कि हम आपके साथ मेन फॉर्म, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल वन फॉर्म, आपकी प्रोफाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपके साथ पहली बात तो है शेयर किए जाते हैं, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके सामने ही आपकी फ़ाइल लगाई जाती है। जो बिल्कुल लास्ट स्टेप है, दैट इज़ GC की। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो GC की है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब ट्रैवल करोगे, अब जैसे ट्रैवल ओपन हो चुका है, आपके पास आपकी GC की नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेडिकल का इशू आ रहा है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए वो होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। मेरे मानना ये है कि GC की आपके पास होना चाहिए, और GC की जो है वो इंडिविजुअली हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट की, और वो उसका जो एसेस है GC की का, वो सिर्फ स्टूडेंट के पास ही रहता है। सो आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दीज सर्विसेज, जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम किस तरह से अपनी सर्विसेज देते हैं आपको, और हम अपनी सर्विसेज पे 100% एश्योर हैं कि हम अपना 100% आपको देंगे। इफ़ यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, दैट डजेंट मीन दैट वी आर नॉट डूइंग आर जेन्युइन सर्विसेज, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू जेन्युइन सर्विसेज, वी आर डूइंग आर 100% बेस्ट फॉर यू। इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट इंक्वायर अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन, यू कैन जस्ट कॉल अस एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फर्दर। थैंक यू सो मच, वील मीट यू सोन इन अनदर वीडियो। थैंक यू।